हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोबाइल मास्टर्स में। दोस्तों आज हम Oppo Reno 10 का फ्रंट ग्लास चेंज करने वाले हैं, जो कि हमारी डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ऊपर का जो ग्लास है वो डैमेज है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको अच्छे से चेक कर लेंगे, हमारी टच बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है ना, उसके बाद में ही हम इसका ग्लास रिमूव करेंगे। दोस्तों हमने इसकी टच अच्छे से चेक कर ली है, उसके बाद में हम इसके कंप्लीट पार्ट्स बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों हम एज डिस्प्ले में जब हम ग्लास चेंज करते हैं तो सारे पार्ट्स को बाहर निकालने के बाद में ही हम इसका ग्लास चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेन पीसीबी, फ्लैक्स चार्जिंग पीसीबी, कैमरे सबको कंप्लीट बाहर निकाल लेंगे। कंप्लीट पार्ट्स बाहर निकालने के बाद में हमने डिस्प्ले को सेपरेटर मशीन पर रख दिया है। 5 मिनट के लिए हम डिस्प्ले को सेपरेटर मशीन पर हीट करेंगे और हीट करने के बाद में हार्ड पन्नी की सहायता से हम इसमें चारों तरफ से जगह बनाएंगे ताकि हमारा जो वायर है वो बार बार अटके नहीं। मिट्टी डस्ट आने की वजह से बार बार वायर हमारा अटकता है तो डिस्प्ले ख़राब भी हो सकती है। तो हम पहले सबसे पहले इसमें जो डस्ट वगैरह गई हुई है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा जो ग्लास है हमारा डैमेज है, तो इसमें कट लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ग्लास पहले से ही डैमेज है। तो हम यहाँ से दोनों साइड से एक एक कांच के टुकड़े हैं, जो जहाँ से हम वायर एंटर करेंगे वहाँ से कांच के टुकड़ों को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आराम आराम से पेट्रोल की सहायता से या थिनर की सहायता से बिल्कुल आराम आराम से ग्लास को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद में हम एक साइड से वायर एंटर करने वाले हैं इस तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे जो हमारी कर्वनेस है उसकी कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हमने बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से वायर को एंटर कर दिया है और जो कर्वनेस है एक साइड से बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर लेंगे। सेम उसी तरीके से सबसे पहले इधर से वो कांच है उसको बाहर निकालेंगे ताकि हमारा वायर आराम से एंटर हो सके और उसके बाद में हम इसमें वायर से ग्लास को रिमूव करेंगे। दोस्तों ग्लास हमारा बहुत ही ज़्यादा डैमेज है तो डिस्प्ले में रिस्क रहता है कि कहीं डॉट या लाइन वगैरह कुछ आ नहीं जाए, तो बिल्कुल आराम आराम से वायर को एंटर करेंगे और जो हमारा वायर होगा 0.2 mm का वायर हम लेंगे और बिल्कुल आराम आराम से ग्लास को रिमूव करेंगे इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे। अगर हमारा वायर बार बार अटकता है तो उसको हम चिमटी की सहायता से या फिर हार्ड पन्नी की सहायता से उसको रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर कोई कांच का टुकड़ा अटका हुआ है तो पहले उसको हटा लेंगे उसके बाद में ही वायर हम चलाएंगे। हमने वायर एंटर कर दिया है तो एक इससे से दूसरी साइड पे हम वायर को लेके गए हैं और बिल्कुल आराम आराम से हमने ग्लास को रिमूव किया है। अब जैसे हमारा यहाँ पे वायर अटका हुआ है तो हमने हार्ड पन्नी की सहायता से उसको निकाल दिया है और आराम से ग्लास हमारा उतर चुका है। सेम इसी तरीके से हम ग्लास को उतारेंगे, जैसे कि एक साइड से कर्वनेस सबसे पहले ख़त्म करेंगे इस तरीके से, एक साइड से सबसे पहले कटिंग करेंगे ग्लास की। ये देखो इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से पहले एक साइड से कटिंग कर लेंगे, सेम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे और जो बीच का हिस्सा है उसको फिर बाद में कटिंग कर लेंगे। इस साइड से भी हम सेम जैसे इस तरफ से निकाला है उस तरफ से भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से कटिंग करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे ग्लास की कटिंग कर लेंगे। हमारा वायर बार बार अटक रहा है तो हम हार्ड पन्नी की सहायता से उसको निकाल रहे हैं ताकि डिस्प्ले पे कोई प्रेशर वगैरह ना पड़े। और इस तरीके से देखो हमने एंड तक इसकी ग्लास की कटिंग कर लिया। अब जो बीच का हिस्सा है इसकी भी इस तरीके से देखो आराम आराम से कटिंग कर लेंगे और वायर चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि दोनों साइड से जब जगह मिल जाती है तो वायर जल्दी और आसानी से चलता है। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा और भी ज़्यादा डैमेज है तो बिल्कुल आराम आराम से हम ग्लास की कटिंग कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो ग्लास हमारा कटिंग करके फ्री हो चुका है उसको हम बाहर निकाल देंगे ताकि जो बार बार हम वायर एंटर करते हैं तो अटके नहीं।
यहाँ से फिर से जगह बनाएंगे क्योंकि टुकड़े बहुत ही ज़्यादा डैमेज हैं। अगर कोई कांच के टुकड़े अटके हुए हैं तो उनको बाहर निकाल देंगे और उसके बाद में हम ग्लास को रिमूव करेंगे। इस साइड से कम टूटा हुआ है तो हम यहाँ से वायर एंटर करते हैं और इसी तरफ से हम ग्लास को रिमूव कर लेते हैं क्योंकि उस साइड से ज़्यादा डैमेज है तो दिक्कत आ रही है निकालने में। तो यहाँ कम डैमेज है तो यहाँ से हम ग्लास को रिमूव कर लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से हम वायर को चलाएंगे। ये करुण ने सबसे पहले कटिंग कर ली है और यहाँ से नीचे जब लेंस के पास आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रेशर वगैरह ना पड़े और बिल्कुल आराम आराम से वायर को घुमाना है। इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे घुमाना है और घुमाकर बिल्कुल आराम आराम से ग्लास की कटिंग करनी है। अगर हमारा वायर अटकता है तो ब्लेड से या फिर हार्ड पन्नी से हम उसको निकाल लेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे कटिंग करेंगे। ये देखो उस साइड से भी वायर हमने निकाल लिया है क्योंकि यहाँ पे जो नीचे डैमेज था लेंस के पास से वहाँ वायर हमारा अटका हुआ था और अगर यहाँ पे प्रेशर देते हम तो हमारे डिस्प्ले में लाइन आने का रिस्क हो जाता। तो बिल्कुल आराम आराम से हमने उस साइड से उतार लिया और नीचे से भी बिल्कुल धीरे धीरे से ग्लास को रिमूव कर लिया। ये देखो हमारा कंप्लीट रेनो 10 का ग्लास रिमूव कर लिया है। उसके बाद में हम इसमें ग्लू रिमूवर मशीन से ग्लू को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद में वाइट स्पंज से थिनर की सहायता से हम इसको बिल्कुल आराम आराम से क्लीन कर लेंगे। इसमें कोई प्रेशर वगैरह नहीं देना है और जो थिनर है हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स है नीचे उसमें नहीं जाना चाहिए नहीं तो डिस्प्ले ब्लैंक होने का रिस्क हो जाएगा। स्पंज की सहायता से बिल्कुल आराम आराम से हम इसको क्लीन कर लेंगे। ये हमारी डिस्प्ले बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है। अब हम इसको डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर निकालेंगे आउट फ्रेम करेंगे। तो उसके लिए हम इसको हार्ड पन्नी की सहायता से और थिनर या पेट्रोल की सहायता से बिल्कुल आराम आराम से यहाँ से एंटर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो टेपिंग लगी हुई आती है उसको फ्री करेंगे नीचे से बिल्कुल नीचे से टच करके उसके बाद में हार्ड पन्नी की सहायता से टेपिंग को फ्री करेंगे और जैसे दोनों साइड से फ्री हो जाती है तो हम वायर एंटर कर देंगे और वायर की सहायता से बिल्कुल नीचे तक उतार लेंगे जहाँ पे हमारा डिस्प्ले का फ्लेक्स आता है वहाँ आके रोक देंगे। डिस्प्ले का फ्लेक्स आता है वहाँ आके हम रोक देंगे और उसका ध्यान रखना है कि हमारा फ्लेक्स है वो कट नहीं जाए। बिल्कुल आराम आराम से डिस्प्ले को बाहर निकालेंगे। ये देखो वायर हमने यहाँ रोक दिया। अब हार्ड पन्नी की सहायता से बिल्कुल आराम आराम से जो नीचे फ्लेक्स आता है वहाँ भी टेपिंग लगी हुई होती है उसको भी हम फ्री कर लेंगे। ये देखो यहाँ से भी बिल्कुल आराम से फ्री कर लिए। अब हम इसके जो देखो ये पीछे टेपिंग लगी हुई है तो उसको भी पहले क्लीन कर लेते हैं और डिस्प्ले को चेक करेंगे हमारे डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। ये देखो बिल्कुल ओके है। चेक करने के बाद में हम इसको डिस्प्ले को पंच करेंगे। दोस्तों डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा ग्लास ब्रेक थी तो बिल्कुल ठीक है डिस्प्ले। अब हम इसको ग्लास को चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद में इसका अलाइनमेंट करते हैं और OCM मशीन में इसकी पंचिंग करते हैं। लेंस के पास से कोई दिक्कत नहीं है, बिना प्रेशर के आराम से लेंस को भी साफ कर सकते हो। बाकी कोई प्रेशर या फिर कोई चीज़ टच नहीं हो नहीं तो उसमें लाइन आने का रिस्क हो जाता है। तो बिल्कुल आराम आराम से पूरे डिस्प्ले को आगे पीछे से मिट्टी डस्ट कांच के टुकड़े कुछ भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में होनी चाहिए क्योंकि जब पंचिंग होती है डिस्प्ले कुछ भी रह जाएगा तो डिस्प्ले ब्रेक होने का रिस्क रहेगा। अगर या कोई कांच का टुकड़ा या फिर कोई डस्ट रहेगी तो डिस्प्ले में रिस्क रहेगा। हमने इसकी ग्लास की उसे सीट के ऊपर जो पन्नी लगी हुई आती है वो हटा के बिल्कुल दोनों साइड से देख के इसका अलाइनमेंट कर दिया है। अब हम इसको
एक सीट लगाकर डिस्प्ले को पंच करेंगे और सबसे पहले इस पर टेपिंग लगा देंगे, क्योंकि टेपिंग से जो हमारी डिस्प्ले जो पंचिंग मशीन में जाएगी वैक्यूम बनता है तो डिस्प्ले उठ जाती है और उठने के बाद में साइड में आ जाती है और लेंस टकरा जाता है, जिसकी वजह से लाइन आने का रिस्क होता है। तो हमने इसको मशीन में डाल दिया और इसकी पंचिंग करते हैं। दोस्तों पंचिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि बबल रिमूवर में टाइम नहीं लगे और एयर वगैरह नहीं रहे। तो हम देख लेते हैं डिस्प्ले की कैसी पंचिंग हुई है। ये देखो बिल्कुल अच्छे से पंचिंग हो गई है डिस्प्ले। अब हम इसको 5 मिनट के लिए बबल रिमूवर में डाल देते हैं ताकि डिस्प्ले हमारी फिनिशिंग के साथ में तैयार हो जाए और उसके बाद में हम इसको डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं कि हमारी डिस्प्ले बिल्कुल ओके है ना, टच वगैरह सब कुछ अच्छे से वर्किंग कर रही है ना। और कंप्लीट सेम उसी तरीके से फ़ोन को पैक कर देंगे, सारे पार्ट्स वगैरह लगा के एज इट इज़, और उसी तरीके से मोबाइल को हम पैक कर देंगे। दोस्तों ये देखो हमारी ओप्पो रेनो 10 की डिस्प्ले बिल्कुल ओके है और टच वगैरह भी बिल्कुल ओके वर्किंग में है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।